हरे कृष्णा सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री में शील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शील गुरुदेव की हेतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है दानगढ़। यहाँ पे भगवान की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। भगवान ने गोपियों से दान मांगा है। कौन सा दान मांगा है? बोले प्रेम का दान मांगा है। कहते हैं, सखी हो जो दही बेचन गई ब्रज में, उल्टी आप बिक आई, बिन ग्रंथ मोल आई, नंद नंदन सर्वस लिख आई। कहते हैं कि गोपी गई थी ब्रज में दही बेचने के लिए, लेकिन दही बेचना तो छोड़ो, उल्टी आप बिकाई और खुद ही जाके वहां पे अपने आप को बेच आई। किसको? नंद नंदन को सर्वस लिख दे आई। और कहते हैं कि साथ में रजिस्ट्री करके आ गई, यानी कि अपना सर्वस्व ही नंद नंदन को लिख के देके आ गई। कृष्ण को किसका दान चाहिए? इस प्रेम का दान चाहिए, जो गोपियों ने कृष्ण को प्रेम का दान दिया है। कैसे? कहती हैं गोपियां कृष्ण को अशुल्क दासिका, गोपी गीत में, कि कृष्ण हम आपकी दासिका तो हैं। कैसी दासिका हैं? हम आपकी अशुल्क दासिका हैं, हमें आपसे कुछ मूल्य नहीं चाहिए। क्योंकि जो शुद्ध प्रेम होता है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, वो प्रेम निस्वार्थ होता है। गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है? वो निस्वार्थ प्रेम है, जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल प्रेम, जिसमें कोई कंडीशनल नहीं है। गोपियां कभी कृष्ण से कुछ प्रार्थना नहीं करती हैं। क्या कहती हैं? हमें आपसे कुछ शुल्क नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है गर्ग संहिता के अंदर। राधा जी यहाँ पे बैठी हुई है, तो ललिता विशाखा उनको बोलती है, हम जानती हैं आप किसका चिंतन कर रहे हो। राधा जी बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं किसका चिंतन कर रही हूँ? ललिता विशाखा बोलती है, हाँ हाँ हमें अच्छी तरह पता है आप किसका चिंतन कर रही हो, अच्छा बताओ। तो ललिता विशाखा क्या करती है, एक चित्र बना के राधा जी के सामने प्रस्तुत करती है। वो चित्र किसका है? श्याम सुंदर का। राधा जी उस चित्र को देख के मुस्कुरा पड़ती है, कहती है, हाँ हाँ तुम तो मेरी सखी हो तो तुम मेरे भावों को तो जानोगे ही। और उस चित्र को राधा जी अपने साथ स्पर्श करके निद्रा में चली जाती हैं। अब निद्रा में राधा जी को सपना आता है, सपने में उसी चित्र जिसका चित्र है कृष्ण, उसी के दर्शन करती हैं। अब उतने में ही ललिता विशाखा राधा जी को निद्रा भंग करती है, बोलती है, राधे देखो बाहर कौन खड़ा है। अब राधा जी जिनका चित्र देख रही है, जिनको सपने में देख रही है, जैसे ही निद्रा खुली तो राधा जी अपना जब किवाड़ खोलती हैं, खिड़की खोलती हैं महल की, तो क्या देखती हैं? सांकरी खोर से कृष्ण जा रहे हैं। ललिता कहती है, देखो वही है चित्र वाला, कृष्ण जा रहा है। अब राधा जी ने जैसे ही कृष्ण का दर्शन किया तो राधा जी ललिता को बोली, अरे ललिते ये तूने क्या कर दिया, तूने मुझे किसके दर्शन करा दिए, अब तो मेरे प्राण जो है व्याकुल हो चुके हैं, मेरे प्राण मेरे वश में ही नहीं रहे, मानो जिसके तूने दर्शन कराए हैं वो मेरे प्राण ही लेके चला गया। अब जल्दी बता मुझे इसकी प्राप्ति कैसे होगी, जब तक मुझे इस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। तो वहां पे राधा जी को प्राप्ति का उपाय बताया कि तुलसी की पूजा कर। तो राधा जी ने फिर वहां पे तुलसी जी की सेवा करी, और तुलसी जी ने, यानी कि वृंदा देवी तुलसी जी ने फिर राधा जी को बोला कि हाँ हाँ आपको कृष्ण के बड़ी जल्दी प्राप्ति होगी। तो तुलसी देवी ने राधा जी को बोला कि आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। अब उतने में ही क्या हुआ, कृष्ण एक बड़ी ही सुंदर गोपी का रूप धारण करके राधा जी के पास पहुंचे। जब राधा जी के पास पहुंचे तो राधा जी उनके रूप को देख के मोहित हो गई, और राधा जी कह रही है, मेरा जो मन है ना जाने क्यों इस गोपी के प्रति इतना ही आकृष्ट हो रहा है, जाओ इस गोपी को मेरे पास लेके आओ। उस गोपी को अपने साथ में बिठाया राधा जी ने, बोली, अरे गोपी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कितना सुंदर रूप है, मैंने ब्रज में आज तक ऐसी गोपी के दर्शन नहीं किए, तुम्हारा गाँव कौन सा है। तो वो कृष्ण जो गोपी का रूप धारण किया हुआ है, बोले, देखो मेरा नाम है गोप देवी, और मैं ही पास में ही मेरा गांव है उत्तर दिशा की ओर। अब बरसाना की उत्तर दिशा में क्या है? नंदगांव। और मैं उस गांव से आई हूँ, क्यों? मैंने सुना है कि तुम्हारे सौंदर्य के बारे में, तुम्हारा जो सौंदर्य है, तुम्हारा जो लावण्य है, उसको सुन के मैं आकृष्ट होकर तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हूँ, और मेरे आज नयन सफल हो गए राधा जी तुम्हारे दर्शन करके। उसके बाद राधा जी ने अपनी सब सखियों के साथ वहाँ पे, और इस गोप देवी के साथ बड़ी ही वहाँ पे सुंदर गान गाया है, बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। अब जब संध्या का समय हुआ तो संध्या को गोप देवी बोली कि देखो राधा जी अब मुझे आज्ञा दो, मैं अपने गांव को जा रही हूँ और मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। राधा जी बोली, ना जाने मेरा मन ऐसा करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने ही ना दूँ, लेकिन कल सुबह तुम जरूर आ जाना। अब रात को राधा जी बड़ी ही व्याकुल है उस गोप देवी के चिंतन में, और यहाँ पे कृष्ण व्याकुल है राधा जी के चिंतन में। अगले दिन प्रातः वही कृष्ण गोप देवी के रूप में फिर राधा जी के पास पहुँचे, और राधा जी को बोले कि हे राधे आज मैं बड़ी दुखी हूँ। अरे तुम दुखी क्यों हो बताओ, ब्रज में कोई दुखी नहीं रहता, मैं तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर दूंगी। राधा जी
मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि अभी जब मैं तुम्हारे पास आ रही थी तो रास्ते में सांकरी खोर एक स्थान है, सांकरी खोर में एक श्याम रंग का ग्वाला खड़ा था और उसने क्या किया, मेरी कलाई पकड़ ली और जब मैंने उसको दही देने से मना किया तो उसने मेरी मटकी से जबरदस्ती दही ले ली और उसके बाद मेरी मटकी भी फोड़ दी। बताओ कैसा ग्वाला है, उसको इतना भी नहीं पता कि कैसे स्त्रियों के साथ व्यवहार करते हैं, कोई धर्म का उसको ज्ञान ही नहीं है। और देखो उसका ना तो कोई रूप है, काला सा पुरुष है, ना तो उसके पास कोई धन है, निर्धन व्यक्ति है और जब देखो मुझे छेड़ता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि राधा जी किसी प्रकार से आप मेरे इस दुख का निवारण करो। और बड़े ही दुख की बात है राधा जी, मैंने सुना है कि तुम उस गोप से प्रेम करती हो, वो गोप प्रेम करने लायक है क्या? तो राधा जी जब गोप देवी से इस प्रकार से सुनती है कृष्ण की निंदा तो राधा जी वहाँ पे बड़ी ही क्रोध में आ जाती हैं और राधा जी उसको बोलती है, अरे तुझे पता है तू कुछ भी बोली जा रही है, तू जिसको निर्धन बोल रही है, सारा जगत लक्ष्मी के पीछे पागल है, लक्ष्मी के पीछे भागता है और ये लक्ष्मी भागती है कृष्ण के पीछे, कृष्ण के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए। कोटि कोटि लक्ष्मियाँ यहाँ पे कृष्ण की सेवा करती है, एक लक्ष्मी नहीं कोटि लक्ष्मी, तू उसको निर्धन बोलती है, अरे तू बोलती है उसके पास शक्ति नहीं है, तू जानती है वो कितना शक्तिशाली है, अपनी एक भ्रूकुटी, अपनी केवल एक भ्रूकुटी से अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि और अनंत कोटि ब्रह्मांड का विनाश और उसी क्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड की पुनः सृष्टि कर सकते हैं वो, एक ही क्षण के अंदर सृष्टि भी विनाश भी और पुनः सृष्टि, एक ब्रह्मांड की नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की। ब्रह्मा शिवजी बड़े बड़े देवता लोग जिनके चरणों की प्रार्थना करते हैं, तू बोलती है कि वो व्यक्ति कैसा है, अरे तू उसको बोलती है उसका रूप नहीं है काला है, उसका रूप कैसा है, कृष्ण का इतना सुंदर रूप है जो विष्णु जी तक को भी हर लेता है, लक्ष्मी जी तक को भी जिसने हर लिया, जिसके रूप के बारे में कहते हैं कंदर्प कोटिये कोटि कोटि कंदर्प कोटि कोटि कामदेव जिसके रूप को देख के मूर्छित हो जाते हैं, तू कहती है उसका रूप नहीं है, अरे उससे जगत में सुंदर कोई इसी का रूप नहीं है, सारे रूप सारे गुणों का स्रोत ही कृष्ण है, रसो वैसा साक्षात रस की प्रतिमूर्ति है, अरे तू बड़ी अभागनी है, मैं तो सोच रही थी कि तू सौभाग्यशाली होगी, अरे तेको उस कृष्ण के दर्शन हुए उसने तेरी कलाई पकड़ी, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है तेरा, लेकिन तू इतनी अभागनी है तू कृष्ण को समझ नहीं पाई। तो मानो राधा जी कह रही है जो कृष्ण को नहीं समझ सकता उससे बड़ा अभाग्य इस जगत में कोई नहीं है और जो कृष्ण को समझ ले उससे बड़ा सौभाग्यवान इस जगत में कोई नहीं है। गोप देवी बोलती है राधा जी को, तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपना सौभाग्य समझ के कि अपने धर्म को लुटा देती वहाँ पे? तो राधा जी बोलती है, अरे पहले धर्म की शिक्षा तो लेके हाँ, सारे धर्म का सार क्या है, सारे धर्म का सार ही तो कृष्ण है, सारे धर्म का सार ही यही है कि कृष्ण से प्रेम हो जाए। तो गोप देवी बोली, अच्छा अगर तुम्हारा इतना ही प्रेम है कृष्ण से तो उसको बुलाओ, अगर तुम्हारी पुकार से कृष्ण आ गए तब मैं मानूंगी कि वो दयामय है। राधा जी बोली, ठाकुर जी कितने दयामय है तुम नहीं समझ सकती, उनकी इतनी दया है इतने कृपामय है कि अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, वात्सल्य मातृकोटिर कोटि माँ, 1000 माँ मिलके भी एक पुत्र को इतना स्नेह नहीं कर सकती जितना कृष्ण अपने भक्त से करते हैं। तो राधा जी वहाँ पे आँख बंद करी और कृष्ण को पुकारना शुरू किया, कैसे, गोविंद दामोदर माधवेती गोविंद दामोदर माधवेती। राधा जी जब कृष्ण को पुकार रही हैं उतने में ये जो गोप देवी है अपने रूप को संभाल नहीं पा रही और कृष्ण का जो रूप है धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है और वो गोप देवी जो उन्होंने स्त्री रूप धारण किया है धीरे धीरे वो हट रहा है और कृष्ण कांपना शुरू कर दिया और कांपते कांपते कृष्ण भी उच्चारण करने शुरू किया, राधे राधे राधे। और जैसे ही राधा जी ने आँख खोली तो क्या देखा, अब गोप देवी नहीं खड़ी कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण ने बोला, राधा जी तुमने मुझे बुलाया? राधा जी बोली, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन अभी यहाँ पे एक गोपी खड़ी थी वो कहाँ चली गई? ठाकुर जी बोले, हाँ हाँ जैसे ही मैं आ रहा था मैंने देखा वो बाहर जा रही थी। तो राधा जी बोली कि देखो वो एक गांव से आई थी गोप देवी, देखने में तो बड़ी सुंदर थी लेकिन बातें कैसी करती थी, बड़ी कुटिल बातें करती थी और सारा वृतांत सुनाया। तो ठाकुर जी बोले, आगे से इस प्रकार की गोपी को कभी अपने पास आने मत देना, ऐसी गोपियों से दूर रहना। तो ये बड़ी ही सुंदर लीला इसी स्थान पे राधा जी की हुई है। तो हम यहीं पे वाणी को विश्राम देते हैं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।